बात करेंगे हादसा या साजिश। जी हाँ, उन्नाव रेप केस की पीड़िता के एक्सीडेंट मामले में नया मोड़ आया है और पीड़िता की मां ने सोमवार को रेप के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर एक्सीडेंट और हत्या कराने का आरोप लगाया है। पीड़िता की मां ने कहा है कि विधायक रोज कचहरी में मारने की बात करता था और आखिर एक्सीडेंट करवा ही दिया। रेप पीड़िता की मां ने चाचा को जल्द बुलाने की मांग करते हुए कहा है कि बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के गुर्गे बाहर घूम रहे हैं और विधायक जेल के अंदर से अपना सारा नेटवर्क मोबाइल के जरिए चलाता है। हमने पुलिस से पहले ही एक्सीडेंट और हत्या कराने का शक जाहिर किया था और हालांकि अब इस मामले में जो सीबीआई जांच की मांग की गई थी, यूपी सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गई है। जो सुरक्षा के लिए सवाल उठाए जा रहे थे, परिवार के साथ क्यों नहीं मौजूद था प्रशासन, और इस पर भी डीजीपी ओपी सिंह का बयान सामने आया है और कहा है कि उन्होंने परिवार ने खुद सुरक्षा लेने से मना किया था और हालांकि हर पहलू से इस मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम भी वीडियोग्राफी द्वारा करवाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो नया मोड़ है उसने बड़ा सवाल ये खड़ा कर दिया है कि ये पूरी हत्या हुई है, हत्या की साजिश की गई है कि ये सिर्फ महज एक एक्सीडेंट था। वहीं इस पूरे मामले में जो परिजनों द्वारा सीबीआई जांच के लिए मांग की गई थी, अब सीबीआई जांच के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने कह दिया है कि अगर सीबीआई जांच की मांग पीड़ित परिवार कर रहा है तो वो इसके लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित उन्नाव रेप केस की पीड़िता परिवार को एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई और इस हादसे में पीड़िता की चाची और उनके एक अन्य रिश्तेदार की भी मौत हो गई है, जबकि उनके वकील भी काफी जो उनके वकील की हालत है वो भी काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। इस मामले में सत्ताधारी बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मुख्य आरोपी हैं और ऐसे में हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताते हुए विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब इस केस से जुड़े किसी हादसे को लेकर सवाल उठे हैं और इससे पहले भी पीड़ित परिवार के साथ समय समय पर कई हादसे हो चुके हैं जिनकी वजह से लगातार सवाल उठते रहे हैं और उन्नाव गैंग रेप केस में पीड़िता को न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी और काफी शिकायतों के बाद भी पुलिस मामले को टरकाने में जुटी रही और इसके बाद पीड़िता द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ स्थित सरकारी आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश किए जाने के बाद ये पूरा मामला उछला और इसके बाद सीएम की सख्ती पर पुलिस ने कार्रवाई तेज की। वहीं विधायक सेंगर गिरफ्तार हुए और हाई कोर्ट की सख्ती पर मामले को आगे ले जाया गया और कार्रवाई करने की बात कही गई। तो जो बड़ी बातें निकलकर इस पूरे हादसे से निकलकर सामने आई है वो है कि उन्नाव गैंगरेप केस की पीड़िता रविवार को एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और पीड़िता के जो दो रिश्तेदार हैं उनकी भी मौत हो चुकी है, साथ ही साथ वकील भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की है और हादसे के पीछे साजिश की भी आशंका जताई जा रही है। इससे पहले भी पीड़ित परिवार के साथ हुए हैं कई हादसे। पहले पीड़िता के पिता की मौत हुई और फिर पिता की हत्या के चश्मदीद की मौत ने सवाल उठा के रख दिए हैं। तो जिस तरह से इस उन्नाव रेप केस की पीड़िता के एक्सीडेंट मामले में ये जो नया मोड़ आया है उसमें वाकई में जो बड़ा सवाल है वो यही है कि ये कोई महज सिर्फ एक एक्सीडेंट था या पूरी हत्या की साजिश की गई है। तो जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, बता दें कि उन्नाव रेप केस की पीड़िता के साथ हुए हादसे पर सवालिया निशान लगातार खड़े हो रहे हैं और इसी बीच दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी लखनऊ पहुंच चुकी हैं। मालीवाल ने कहा है कि इस लड़ाई में वो अकेली नहीं है और पूरा देश उनके साथ है।